राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि द्वारा भस्म किए जाने पर उनकी मुक्ति के लिए की गई घोर तपस्या, जो राजा सगर ने कई सालों तक की तपस्या करते करते स्वर्ग सिधार गए, अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए की गई तपस्या पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहे, परंतु माता गंगा धरती पर नहीं आई। तो फिर माता गंगा धरती पर आई कैसे? वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसी तरह राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने ब्रह्मा जी को प्रश्न करने के लिए अपने एक पैर पे खड़े होकर तपस्या आरंभ की। ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः। प्रभु, मैं अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए देवी गंगा को स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर बुलाना चाहता हूँ। तथास्तु। यह तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। फिर भगीरथ जी ने क्या किया? फिर क्या था, भगीरथ जी ने ब्रह्मा जी से इस समस्या का समाधान मांगा और ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि देवों के देव महादेव भगवान शिव जी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप उनकी आराधना करें। और कई सालों तक आराधना करने के बाद भगीरथ जी ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। महादेव, माता गंगा पृथ्वी लोक पर आने के लिए तत्पर है, आप सहायता करें। प्रभु सत्य, उनके वेग को सरलता से नहीं रोका जा सकता, तुम उनका आह्वान करो। देवलोक से आने वाली प्रलयकारी गंगा का स्थान चट्टान। शंकर शंकर जय जय शंकर, शंकर प्रकट शुभंकर भालय भयंकर।
आपको क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं। आप इतनी महान, इतनी विशाल है कि आपका स्थान केवल शिव के मस्तक पर ही हो सकता है। बड़ा हर युग में तेरा काम बड़ा।